और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के प्रेस क्लब में, जहाँ आज आने वाले सरहुल पर्व, जिसे संस्कृति का पूजा भी माना जाता है, और यह पर्व कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे लेकर आज यहाँ पर मुख्य रूप से प्रेस वार्ता रखी गई थी और किस तरह से सरहुल को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सरहुल पर्व के क्या महत्व है, इन सभी विषयों पर आज यहाँ चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से सिरमटोली के मुख्य पुजारी भी उपस्थित रहेंगे। चलिए देखते हैं आज के इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ खास है। सरहुल की शोभा यात्रा के बारे में आज इसलिए जरूरत पड़ी कि इस मामले में काफ़ी भ्रम की स्थिति है। लोग अलग अलग सालों को इसकी उत्पत्ति का वर्ष मानते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति के पुख्ता प्रमाण भी मौजूद हैं। आज सिरमटोली की जमीन को बचाने में गुरु भगत जी हैं, उनके पिताजी शिवा बिजला तिर्की जी जेल भी गए थे 1961 में, जो चुटिया थाने में दर्ज हुआ था और जेल होने के बाद बेल भी हुआ तो कोर्ट में भी वो दर्ज है। तो इसलिए ये भरम टूट जाए और जो हकीकत है सत्य सबके सामने आ जाए, और इसलिए मैंने इसका प्रयास किया। क्योंकि मैं जैसे हमारे मामा जी हुए राम नारायण खालखो जी के पुत्र हुए, मैं डॉक्टर रविंद्र भगत, मैं स्वर्गीय करमचंद भगत जी का बेटा हूँ, और मैं जानता हूँ कि उनकी क्या क्या इसमें योगदान रहे हैं, तो उनके योगदानों को भी सबके सामने लाया जा सके, इस उद्देश्य से भी आज मैंने आप लोगों के सामने बातों को रखने का प्रयास किया। जो तिथि की जो है स्थिति, कौन सा तिथि आपके अनुसार सरहुल को लेके है, कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1961 चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन पूजा हुआ था, और पूजा के पश्चात करमटोली अग्रवाल नर्सिंग होम के सामने शशिभूषण वानखी जी के आवास के बगल में एक साल का वृक्ष है, उसी के नीचे पूजा पाठ हुआ, और पूजा पाठ करने के पश्चात यहाँ से बैलगाड़ी में कार्तिक उराव जी को बिठाया गया और करमचंद भगत जी की अगुवाई में यहाँ से इस प्रोसेशन की शुरुआत हुई, और लोग यहाँ से उठ करके सिरमटोली के शरणास्थल तक गए, और तब से यह परम्परा आज तक चालू है। 3 सालों तक ये करमटोली से निकला था, 3 सालों के पश्चात इसे हाथमा ले जाया गया, क्योंकि हाथमा ही इस गांव का मुख्य मौजा है, इसलिए लोगों ने निर्णय लिया कि मुख्य मौजा के शरणस्थल से ही ये शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। पहले और अभी की जो सरहुल है उसमें कितना बदलाव देख रहे हैं? पहले और सरहुल, आज के सरहुल में तो निश्चित रूप से समय के साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे सरहुल पूजा हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है और प्राकृतिक संतुलन का बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन आज हम ही लोग, जैसे पहले पूजा के पश्चात ही हम लोग नए फल, नए फूल और नई पत्तियों का सेवन किया करते थे, लेकिन आज पहले से ही हम पेड़ों पौधों को नोचने खसोटने में लगे हुए हैं, बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और इसका असर क्या है? इसका असर ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है, और बसंत ऋतु के दिन घोषणा हो गई, भविष्यवाणी हो गई है कि यहाँ लू चलेगा, तो यह जो लू चलेगा ना, यह इसी प्राकृतिक असंतुलन का परिणाम है, और इसको बचाया जाना चाहिए, तभी हमारी धरती बचेगी, तभी हमारा समाज बचेगा। पहले जैसे खेतों में जाके लोग केकड़ा पकड़ते थे, मछली पकड़ते, आज भी पकड़ते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन अब खेत और तालाब, जो आपका जो आहतमा बस्ती हो गया या जो भी अपना शहर के इलाके देख लीजिए, वहाँ बचे नहीं, तो कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि बचे नहीं हैं, आप थोड़ा सा किनारे जाएंगे तो आज भी जहाँ कहीं भी है केकड़े मिलते हैं, मछलियाँ मिलती हैं, संख्या जरूर कम हो गई है, और केकड़े का तो बहुत बड़ा महत्व है ना। हम लोग पहला दिन उपवास करते हैं और उसी दिन हम लोग केकड़ा पकड़ते हैं, केकड़ा पकड़ करके जो है हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग अपने घर में लाते हैं और उसको अपने चूल्हे के ऊपर रखते हैं, और जब वो, जब हमारा बीज निकलता है अगले सीजन के लिए, तो हम उस बीज में उसको चूरा करके, उसको बीजों के साथ मिला करके, तब जा करके अपने खेतों में डालते हैं, ताकि हमारा फसल भी जो है उसके पैरों की तरह, उसके बच्चों की तरह भरपूर हो। और उस दिन हमारे पहान लोग जो हैं 2 घड़ों में पानी रखते हैं, और उस पानी को देखकर लोग आगे वर्षा के बारे में अपनी भविष्यवाणियाँ किया करते हैं, और पहले सटीक हुआ करता था, लोगों का विश्वास है, लोग सत्य, ये सत्य होता था और लोगों का विश्वास उस पर था, और उसी अनुरूप लोग तैयारी करते थे खेती बाड़ी की। लेकिन आज तो सब कुछ बदल रहा है, जिसे बचाने की जरूरत है। ठीक है,
घट घट।